हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स और वो भी साइड बेस पे। साइड के बेस के ऊपर ट्राइंगल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्राइंगल होती क्या है। आपके पास ट्राइंगल, आपके पास थ्री साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसमें आपके पास थ्री एंगल्स होते हैं। लेट सपोज, जैसे मैंने ए बी सी ट्राइंगल आपके पास ड्रॉ करी है, सबसे पहले आपके पास आता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? तो सिंपली आपको याद रखना है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें सभी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट लेंथ की होनी चाहिए। मींस दिस ए बी की जो लेंथ है वो बी सी से नहीं मिलनी चाहिए, और जो बी सी की जो लेंथ है वो आपके पास ए सी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब सभी की सभी साइड्स अगर डिफरेंट लेंथ की हैं तो आप ऐसी ट्राइंगल्स को यू कैन से स्केलन ट्राइंगल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी सभी की सभी साइड्स, ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ ऑफ डिफरेंट लेंथ, देन यू कैन से कि दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज स्केलन ट्राइंगल। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपके पास, जो सेकेंड टाइप है वो आपके पास है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें आपके पास टू साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन यू कैन से कि दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? आइसोसेलेस। लेट सपोज आई एम टेकिंग दिस ए बी, दिस ए बी इज इक्वल टू ए सी, कोई भी हो सकती है वो। जरूरी नहीं आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी ही लोगे आप, ए बी इज इक्वल टू बी सी भी हो सकती है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हो, देन यू कैन से कि दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक चीज और आपने याद रखनी है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब मेरे बोलने का मतलब, अगर आपके पास ये जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। मतलब कि ए सी के जो सामने है वो कौन सा एंगल है आपके पास? बी एंगल। और ए बी के जो सामने है वो कौन सा एंगल है आपके पास? सी एंगल। सो दिस एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसका मतलब हुआ कि आपके पास कोई भी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। मतलब कि इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड व्हाट? आइसोसेलेस। और सेकंड फैक्ट हमने यहां पे क्या सीखा कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट में जो एंगल होता है वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे इस केस में दिस बी एंगल इज इक्वल टू एंगल सी। थर्ड टाइप जो है वो हम सीखेंगे, वो होती है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन उसको सीखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में आपको मैथ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि वीडियो शेयर करने से औरों को भी नॉलेज मिलती है। चलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे इक्विलेटरल वर्ड से ही आप लोगों को पता लग रहा है कि इसमें इक्वल है कुछ ना कुछ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता क्या है? All the sides are equal. Means this AB की जो length है that is equal to the length of the AC, that is equal to the length of the BC. तो if all the sides are equal, then you can say कि that type of triangle is what? Equilateral triangle. और इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है,
ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है ये इक्वी एंगुलर भी होती है। इक्वी एंगुलर का मतलब है कि अगर ऑल द साइड्स आर इक्वल देन ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। और आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज हाउ मच, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360। आप कमेंट करके जरूर बताना, जैसे आपको पता है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, आपको बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल में इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। दिस इज होमवर्क फॉर यू, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगली वीडियो तक आप इसे प्रैक्टिस करिए, ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो आपके ज्योमेट्री में आपको आपकी नॉलेज को एनहांस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।